मैं जब पढ़ता था तो वे कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, तुमको नवाब बना देंगे, तुमको तहसीलदार बना देंगे, तुम राष्ट्रपति हो जाओगे। ये प्रलोभन है और ये प्रलोभन हम छोटे छोटे बच्चों के मन में जगाते हैं। हमने कभी उनको नहीं सिखाया कि क्या तुम ऐसा जीवन बसर करना कि तुम शांत रहो, आनंदित रहो। नहीं, हमने नहीं सिखाया तुम ऐसा जीवन बसर करना कि तुम ऊंची से ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाओ, तुम्हारी तनख्वाह बड़ी से बड़ी हो जाए, तुम्हारे कपड़े अच्छे से अच्छे हो जाएं, तुम्हारा मकान ऊंची से ऊंचा हो जाए। हमने यह सिखाया, हमने हमेशा यह सिखाया कि तुम लोभ को आगे से आगे खींचना, क्योंकि लोभ ही सफलता है। और जो सफल है और जो असफल है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस पूरी शिक्षा में असफल के लिए जब कोई स्थान नहीं है, असफल के प्रति कोई जगह नहीं है और केवल सफलता की धुन और ज्वर हम पैदा करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि सारी दुनिया में जो सफल होना चाहता है वह जो बन सकता है करता है, क्योंकि सफलता आखिर में सब छिपा देती है। एक आदमी किस भांति चपरासी से राष्ट्रपति बनता है, एक दफा राष्ट्रपति बन जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता कि वह कैसे राष्ट्रपति बना, कौन सी तिड़खन से, कौन सी शरारत से, कौन सी बेईमानी से, कौन से झूठ से, किस भांति से राष्ट्रपति बना। कोई जरूरत अब पूछने की नहीं, न दुनिया में कभी कोई पूछेगा, न पूछने का कोई सवाल उठेगा। एक दफा सफलता आ जाए तो सब पाप छिन जाते हैं, सारे पाप छिप जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। सफलता एकमात्र सूत्र है, तो जब सफलता एकमात्र सूत्र है तो मैं झूठ बोलकर क्यों ना सफल हो जाऊं, बेईमानी करके क्यों ना सफल हो जाऊं। अगर सत्य बोलता हूं असफल होता हूं तो क्या करूं। तो हम एक तरफ सफलता को केंद्र बनाए हैं और जब झूठ बोलता है, बेईमानी बढ़ती है तो हम परेशान होते हैं कि यह क्या मामला है। जब तक सफलता सक्सेस एकमात्र केंद्र है, सारी कसौटी एकमात्र मापदंड है, तब तक दुनिया में झूठ रहेगा, बेईमानी रहेगी, चोरी रहेगी। यह नहीं हट सकती, क्योंकि अगर चोरी से सफलता मिलती है तो क्या किया जाए, अगर बेईमानी से सफलता मिलती है तो क्या किया जाए। बेईमानी से बचा जाए कि सफलता छोड़ी की, क्या किया जाए। जब सफलता एकमात्र है, एकमात्र मूल्य है, एकमात्र वैल्यू है कि वह आदमी महान है जो सफल हो, फिर बाकी सब बातें अपने आप गौड़ हो जाती हैं। रोते हैं हम, चिल्लाते हैं कि बेईमानी बढ़ रही है, यह हो रहा है, यह सब बढ़ेगी, यह बढ़नी चाहिए। आप जो सिखा रहे हैं उसका फल है यह, और 5000 साल से जो सिखा रहे हैं उसका फल है। सफलता की वैल्यू जाननी चाहिए। सफलता कोई वैल्यू नहीं, सफलता कोई मूल्य नहीं, सफल आदमी कोई बड़े सम्मान की बात नहीं है। सफल नहीं सुफल होना चाहिए, आदमी सफल नहीं सुफल। एक आदमी बुरे काम में सफल हो जाए, इससे बेहतर है कि एक आदमी भले काम में असफल हो जाए। सम्मान काम से होना चाहिए, सफलता से नहीं।